हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। खाने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में भी अच्छी कमाई होती है। आज के समय में खाने पीने की चीजों में कई तरह के इनोवेशन हो रहे हैं। खाने की वैरायटी भी लगातार बढ़ रही है। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे फूड बिजनेस के बारे में जो खाना बनाने का नहीं है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में आपको होगी अच्छी कमाई। आगे जाने इस बिजनेस से जुड़ी सारी बातें। ऐसे की जाती है ऑनलाइन केटरिंग सर्विस। ऑनलाइन केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आपको एग्रीगेटर की भूमिका निभानी होती है। आपको शहर के सभी या अधिकांश रेस्टोरेंट और होम कुक से संपर्क करके उनसे एग्रीमेंट करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनानी होगी। इस पर कस्टमर्स आपको फूड ऑर्डर करेंगे और आप अपने डिलीवरी बॉय के माध्यम से होम डिलीवरी करेंगे। कितना आएगा खर्च? एक रिपोर्ट के मुताबिक पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाने पर लगभग 1.25 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा 2 कंप्यूटर, 4 व्हीकल, नेटवर्क इंस्टॉलेशन और ऑफिस फर्नीचर पर लगभग 2.70 लाख रुपए का खर्च आएगा। यानी आपकी फिक्स्ड कैपिटल 3,95,000 रुपए की होगी, जबकि 1 माह की वर्किंग कैपिटल 1.25 लाख रुपए के आसपास होगी। अगर 3 माह की वर्किंग कैपिटल के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 7,72,000 रुपए आएगी। सरकार से आपको मिलेगा यह सपोर्ट। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 2 लाख रुपए लगाकर ऑनलाइन केटरिंग होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर सकते हैं। सरकार आपको 75% लोन देगी। इसमें 3 महीने की वर्किंग कैपिटल भी शामिल है। कितना मिल सकता है लोन? रिपोर्ट के मुताबिक आपको लगभग 75% लोन मिल सकता है।